तो आईडी ની રેડ બાદ પહેલી વખત ધીરજ સાહુની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. ઝડપાયેલા તમામ રૂપિયા પરિવારનો હોવાનું નિવેદન છે. મારું પરિવાર દાયકાઓથી શરાબ વ્યવસાયમાં સંકળાયેલો છે. દારૂનો વ્યવસાય રોકડથી જ થાય છે. ધીરજ સાહુનું આ કહેવું છે. રોકડ રકમને કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. હું પરિવારના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો નથી. ધીરજ સાહુનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે. जो पकड़ा गया है ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है. हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है. यह पैसा सेल कलेक्शन था. यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इसका इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है. तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ. ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था और ये कैश का भी मैं जिक्र किया. वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है डेली. आप लोग भी जानते होंगे शराब जहाँ जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है. तो वह कैश का ही यह बिजनेस है हमारा. और मैं हमारे फर्म के बारे में बता देता हूँ कि बलदेव साहू, शिवप्रसाद साहू एंड संस के नाम से हमारे है. दूसरा है रितेश साहू. ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं. इसके अलावे हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके नाम से भी है यह फर्म चलता है. जहाँ तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है वहाँ पर, जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिस्टिलरी वहाँ पर है. वह शराब बनता भी है और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया. और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है. यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है. तो मैं यही आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप मैं पढ़ कर बताया वो बिल्कुल सत्य है. इसमें किसी तरह की भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है.